नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। 5000 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया है। त्योहार का सीजन और इस दौरान मिलावटी खाद्य सामग्री बाजारों में मिल रही है। 15 लाख का मिलावटी खाद्य पदार्थ बरामद हुआ है। तो फूड सेफ्टी टीम ने पकड़ा मावा। आपको बता दें कि कड़ी कार्रवाई के दौरान ट्रेन के जरिए ले जाया जा रहा मावा पकड़ लिया गया है। ग्वालियर में 5000 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया है और अब इसका सैंपल भी ले लिया गया है, जांच की जाएगी। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ग्वालियर से पूरा ये मामला सामने आया है, जहां पर खाद्य विभाग ने मिलावटी मावा जब्त किया है। 15 लाख इसकी कीमत बताई गई है। ट्रेन के जरिए भोपाल भेजा जाना था मावा। आपको बता दें कि ये 15 लाख रुपए इसकी लगभग अनुमानित कीमत बताई जा रही है और 5000 किलो मावा ये मिलावटी मावा होने के शक के आधार पर यहां से पकड़ा गया। और इसके अलावा जो कार्रवाई है उसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इस मावे के सैंपल्स भेज दिए हैं। ग्वालियर से ये ट्रेन के जरिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम को जानकारी मिली और 5000 किलो मावा जब्त किया गया है। और अब तक दावा ये किया जा रहा है कि ये मावा नकली है और इसके लिए जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो इसकी पुख्ता तौर पर तस्दीक हो सकेगी कि आखिर ये मावा असली है या नकली। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ग्वालियर से हमारे साथ। सुशील, क्या कुछ कार्रवाई की जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल से भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अन्य शहरों और दूसरे राज्यों में मिलावटी मावा लगातार खपाए जाने की जानकारी पुलिस को मिल रही थी, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को मिल रही थी। इसी के तहत कल देर शाम हनुमान चौराहे इलाके में 2 गाड़ियां जब्त की और इन 2 गाड़ियों में करीब 5000 किलो मावा भरा हुआ था और ये मावा भिंड जिले के प्रतापपुरा गांव से लेकर इन 2 गाड़ियों के जरिए ग्वालियर आया था। यहाँ से ये मावा ट्रेन के जरिए भोपाल सप्लाई होने वाला था, लेकिन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम को सूचना मिली तो उस टीम ने पहुंचकर हनुमान चौराहे इलाके में इन दोनों गाड़ियों को बरामद किया और इससे 5000 किलो मावा जो है वो मिला है। पूरा मावा जब्त कर लिया है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने। इसके अलावा इन मावे में से 8 सैंपल निकालकर जांच के लिए भेजा गया है और निश्चित तौर पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का दावा है कि ये मावा पूरी तरह से नकली मावा है, क्योंकि त्योहारी सीजन में ग्वालियर चंबल के भिंड मुरैना सहित अन्य इलाकों में जो नकली मावा मिलावटी मावा तैयार होता है वो यहाँ से भोपाल, इंदौर और मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य प्रांतों के शहरों में भेजा जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई है। अब देखना यही है कि कहाँ कहाँ ये नेटवर्क फैला हुआ था और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये मावा आखिरकार भोपाल में कहाँ सप्लाई होने जा रहा था। तो बिल्कुल पूछताछ के बाद और खुलासे होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो 8 सैंपल ले लिए गए हैं मावा का, जो मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है और अब इसके सैंपल भेज दिए गए हैं लैब में और जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके की मिलावट इसमें की गई है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। जबलपुर में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। दरअसल मतदान से पहले 300 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने थामा कमल। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली, जहां बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस में ना नीति बची ना नेता, जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नहीं मानती हम ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते। फिर से वही एक पुराना मुद्दा उठाया गया और बड़ी संख्या में जबलपुर में कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और करीब 300 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ खड़े हुए हैं। दरअसल जो स्थिति इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की बन रही है, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को इन लोकसभा चुनाव में। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सभी की जबान पर इस तरह के सवालों का एक ही जवाब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। पवन पटेल से बात करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। पवन, 300 कार्यकर्ता और इस लिस्ट में शामिल हो गए जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जबलपुर में अब तक सबसे बड़ी संख्या, इसे कहा जाएगा कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में कोई पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दूसरे दल में शामिल हुए हैं और सभी ने जो है आज एक दिन पहले शपथ ली है
बीजेपी की सदस्यता भी ली है और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। यानी कुछ दिन पहले तक जो खामियां गिनवा रहे थे बीजेपी की, अब बीजेपी का ही प्रचार करेंगे। और ये जो राकेश सिंह है, उन्होंने ये पूरा अभियान जो है आगे बढ़ाया और सदस्यता दिलवाई है। और जब उनसे पूछा गया कि आखिर वजह क्या है कि आपने बीजेपी की सदस्यता ली है, पार्टी कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, तो सभी की जुबान पर वही जवाब था कि ना कांग्रेस में ना नीति है और ना ही नेतृत्व बचा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि कल बता दें आपको कि जबलपुर में जीतू पटवारी शाम को आए थे, जिन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम भी किया जबलपुर में, और एक तरफ जीतू पटवारी आ रहे थे, दूसरी तरफ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर मुश्किल खड़ी होगी इस लोकसभा चुनाव से पहले। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो ये एक समस्या बन सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आज एमपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां कटनी और मंडला में चुनावी प्रचार को धार देंगे। दरअसल मंडला में अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीधी के चुरहट और जबलपुर के सिहोरा में कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और दोनों ही जगह स्थानीय जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा, जहां अमित शाह आज सभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। तो मंडला में शाह करेंगे जनसभा को संबोधित। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीधी के चुरहट और जबलपुर के सिहोरा में कार्यक्रम का आयोजन, दोनों जगह स्थानीय जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर रपटा घाट पर मां नर्मदा के दर्शन करने के बाद वे आगे जाएंगे और करीब 1:30 पर ग्राउंड में पहुंचेंगे और इसके अलावा करीब 2:15 के आसपास शहडोल में मौजूद होंगे और 3:30 चुरहट में चुनावी प्रचार करेंगे अमित शाह। और छिंदवाड़ा के दौरे पर जेपी नड्डा आ रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा को यहां संबोधित करेंगे। छिंदवाड़ा में जीत के लिए बनाएंगे रणनीति, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी रहेंगे मौजूद। और आप ये देखिए कि आपको जो तय कार्यक्रम है आज जेपी नड्डा के, वो बता रहे हैं। छिंदवाड़ा जैसा कि कहा जाता है कमलनाथ का गढ़, और यहाँ पर तमाम आपको बड़े चेहरे वो नजर आ चुके हैं और आने वाले हैं, जहाँ पर जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है। और अब छिंदवाड़ा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से बातचीत भी होगी, जीत के लिए रणनीति बनाएंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। छिंदवाड़ा के गढ़ को जीतने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। आज मध्य प्रदेश में केंद्रीय रक्षा मंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार, रीवा और सतना दौरे पर आएंगे राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि देव तालाब ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। नागौद में भी राजनाथ सिंह की जनसभा होनी है। बढ़ते आगे, आज गरियाबंद के दौरे पर सीएम साय रहने वाले हैं। आपको बता दें कि गुरुजी भाटा में जनसभा को संबोधित करने के लिए वे पहुंचेंगे। महासमुंद प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के लिए करेंगे प्रचार, डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर में करेंगे दर्शन, राजनांदगांव में सीएम साय करेंगे चुनावी प्रचार। और इस तरीके से आज ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का। और न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। दरअसल देश और प्रदेश की, दुनिया की खबरों को देखने के साथ ही आपके पास मौका है शानदार इनाम जीतने का, और इसके लिए बस आपको करना इतना है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहने के साथ ही आपको हिस्सा लेना है पहचान कौन कॉन्टेस्ट में। और इस कॉन्टेस्ट में आपको हिस्सा लेकर आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए, सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और इन्हों मुझे लगता है दर्शकों को जिस सवाल का इंतजार है वो सवाल भी हमें बता देना चाहिए। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, मध्य प्रदेश के 1 साल 3 महीने 3 दिन के मुख्यमंत्री आखिर कौन है। तो इस आसान से सवाल का आप जवाब दे करके जीत सकते हैं शानदार उपहार। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं और इसका तरीका आपको बता दें, स्कैन जो QR कोड है इसको स्कैन करके आप जवाब दे सकते हैं या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं।
सारंगढ़ से खबर है जहां अभिनेता सूरज मेहर की मौत, सड़क हादसे में सूरज मेहर की जान चली गई। दरअसल छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में ये काम किया करते थे और शूटिंग से लौटते वक्त हादसे का शिकार हुई उनकी कार और एक पिकअप के साथ टक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हुए और उनकी मौत हो गई। 10 अप्रैल को ओडिशा में उनकी सगाई होनी थी, सरसीवा थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है, एक दुखद हादसा, जहां 10 अप्रैल को ओडिशा में सगाई के लिए भी उन्हें जाना था। और उसके पहले सारंगढ़ में अभिनेता सूरज मेहर की मौत की खबर, पूरे परिवार में शोक की लहर। तो शूटिंग से लौटते वक्त हादसे का शिकार हुई उनकी कार, पिकअप के साथ टक्कर होने की वजह से यह हादसा हुआ। 10 अप्रैल को ओडिशा में सगाई का भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था, हालांकि इस हादसे के बाद अब छत्तीसगढ़ी उनके फैंस में शोक की लहर है। तो बता दें कि अभी हाल ही में उनकी सगाई होनी थी, लेकिन उसके पहले ही एक दुखद खबर, स्कॉर्पियो पिकअप की टक्कर हो गई, जिसमें जो अभिनेता है सूरज मेहर, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सारंगढ़ का पूरा मामला है और स्कॉर्पियो पिकअप की भिड़ंत में ये हादसा हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म के जो अभिनेता हैं सूरज मेहर, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और हाल ही में उनका एक प्रोग्राम भी था और उनकी सगाई होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ये दुखद खबर और पूरे परिवार में शोक की लहर बनी हुई है। सारंगढ़ का पूरा मामला है, ओडिशा उनको जाना था अपनी सगाई के लिए, लेकिन उसके पहले ही ये दर्दनाक सड़क हादसा और इसमें उनकी जान चली गई। दरअसल अपने शेड्यूल के मुताबिक वो अपने शूटिंग का काम निपटाकर लौट रहे थे और इस बीच एक दुखद घटना घटित हुई जिसमें उनकी जान चली। और अगली खबर खरगोन से, जहां खरगोन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि सिकलीगर गिरोह का यहां पर खुलासा हुआ है। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 पिस्टल भी बरामद की गई है, 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। खरगोन का पूरा मामला है और ये देखिए जो सामान बरामद किया गया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। शिकंजे में सिकलीगर गिरोह आया है। दुर्ग बस हादसे की जांच शुरू हो चुकी है, बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो चुकी है। दरअसल एसडीएम महेश राजपूत इसकी जांच करेंगे, 15 दिन में इसकी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। कोई लंबा प्रोसेस इसका न हो, इसके लिए भी प्रशासन की ओर से चेताया गया है और टीम के पास भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि इस पूरे मामले में बहुत सारे तथ्य रेनु अब तक सामने आ चुके हैं, मसलन खदान के काम न होने के बाद भी खुला रहना, बस में हेडलाइट्स का न होना और बहुत सारे ऐसे जो तथ्य हैं अब तक सामने आए हैं मीडिया रिपोर्ट्स में ही। और अब मजिस्ट्रियल जांच होगी, इसमें 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी। और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि पीएम ने विदेशी मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें भारत चाइना सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार रखे। चीन के साथ रिश्ते अहम, प्रधानमंत्री ने कहा। साथ उनका यह भी कहना है कि सीमाओं पर शांति बहाली की उम्मीद जताई जा रही है। सीमा विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी है। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटने से विकास हुआ। भारत लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र हमारे जीन्स में है। जनता से किए वादों को पूरा किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक क्षण रहा, तो वही भारत ने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है। प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। भारत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां करीब 750 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था और इसमें एजुकेटिंग अथॉरिटी का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और नेशनल हेराल्ड मामले में और बड़े कांग्रेस के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो सोनिया गांधी हो, दोनों ही पर एक संकट घिरता हुआ फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि अटैचमेंट को लेकर एजुकेटिंग अथॉरिटी का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और एजल से जुड़े मसले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
दरअसल जिस तरह से अगर नेशनल हेराल्ड की बात करें तो नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से पिछले साल 2023 में अक्टूबर महीने में जांच एजेंसी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 750 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था, तो इस मामले पर यह मामला पहुंचा था एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी में और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अब उस अटैचमेंट की प्रक्रिया को सही पाया है। यानी कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी, उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की जो तमाम प्रक्रिया है उसको उचित समझा गया है। और एक तरह से अब इसे आसान शब्दों में इस तरह से बता सकते हैं कि जो अटैचमेंट की जो प्रक्रिया थी, वो जो पहले प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ था, अब उस पर उसको पोजिशन पर कब्जा होगा, यानी कब्जा होगा ईडी का। जांच एजेंसी की टीम जाएगी और वहां पर एक अपना बोर्ड लगा देगी कि अब इस पर पूर्ण तौर पर जांच एजेंसी का कब्जा हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और खबर रायपुर से, जहां शराब घोटाला मामले में आरोपी अरविंद सिंह ने जमानत याचिका लगाई है। अरविंद सिंह को एसीबी ईओडब्ल्यू ने किया है गिरफ्तार। अरविंद सिंह शराब घोटाले में आरोपी, जमानत याचिका पर 12 अप्रैल को होगी बहस। स्पेशल कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। तो खबर रायपुर से, जहां आरोपी अरविंद सिंह ने जमानत याचिका लगाई है। अरविंद सिंह को एसीबी ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है और अब घोटाले, शराब घोटाले का आरोपी अरविंद सिंह, जमानत याचिका पर 12 अप्रैल को सुनवाई होनी है, बहस होनी है। स्पेशल कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां शराब घोटाले के आरोपी ने याचिका लगाई है। सुकमा में जवान को गोली लगने का मामला सामने आया, खुद के राइफल से चली गोली। दरअसल बाइक से वापस कैंप लौट रहा था ये जवान और राइफल में सेफ्टी लॉक ऑन नहीं था और घायल जवान का नाम विजयनाग बताया जा रहा है। जवान को जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में भर्ती कराया गया, जो कि बाइक से लौटते वक्त उसके खुद की राइफल से ही गोली चलने की वजह से वो घायल हो गया। सुकमा से ये पूरा मामला सामने आया और दंतेवाड़ा के अस्पताल में एडमिट कराया गया है घायल जवान को। और खंडवा से अंधविश्वास का एक मामला सामने आया, जहां चमगादड़ का इस्तेमाल कर धन की बारिश कराने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तांत्रिक द्वारा तंत्र मंत्र किए जाने से पहले ही आरोपी वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गए। चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर इन्हें जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी सूरज, नरसू सिंह, सतीश और विकास ने पूछताछ में बताया कि चमगादड़ उन्होंने तंत्र मंत्र के लिए गाड़ी में भरे थे और तांत्रिक क्रिया करने के लिए, धन वर्षा कराने के लिए ये सब किया जा रहा था। आपको बता दें कि भीलखेड़ी से कालीभीत तांत्रिक के पास चमगादड़ ले जा रहे इन आरोपियों को धर लिया गया। वाहन पर उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल मुंदी लिखा हुआ है और जबकि कीर्तन सोलंकी के नाम पर रजिस्टर्ड वाहन के मामले में अभी जांच की जा रही है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द लौटेंगे। न्याय